लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Come on.
joining me in the Navy. क्या हुआ इतनी रात को यहां? बात क्या है? इतने टेंशन में क्यों हो तुम यार? आमिर मर गया यार। क्या बकवास कर रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले तो हमारे साथ था और तुम कह रहे हो मर गया? तुम्हें एमएमएस नहीं आया? नहीं आया। पहले तुम अंदर आओ। हाँ यार, एमएमएस तो आया हुआ है। फोन साइलेंट पे था इसलिए ध्यान नहीं दे पाया। अचानक हुआ क्या डेविड? क्या हुआ बताओ। जब हम वहां से वापस आए तो पहले आमिर का फोन आया, फिर उसका एमएमएस आया। उसने कहा कि डर लग रहा है। बाद में जाकर देखा तो वो मर चुका था। मुझे लगा कि कहीं मैं फंस ना जाऊं तो इसलिए घर चला गया, लेकिन वो एसीपी सीधा मेरे घर पर ही धमका। मैं उससे बचकर तुम्हारे पास आ गया। एसीपी तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ यार? पहले प्रूफ करना होगा मेरा इसके से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं प्रूफ नहीं कर पाया तो मैं फंस जाऊंगा यार। पहले हम मौका है वारदात पर चलकर देखते हैं कोई सबूत है या नहीं है। अभी चलो। कैसे हुआ ये मुझे पता नहीं। एक महीने पहले ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आई थी। मेरी जिंदगी बड़े मजे से गुजर रही थी। हम सब दोस्त बड़े ऐश करते थे। हाय डार्लिंग, बीच रिसोर्ट में मैंने कमरा बुक किया है। ज्यादा नहीं, बस 2 घंटे रुकेंगे। तुम्हें चलेगा ना? घर वालों को बोल देना, बस मैं फ्रंट के यहाँ पे जा रही हूँ। अरे मैं शाम को तुम्हें क्या बात है, ट्रेडिंग कर रहे हो? हाँ यार। चलो ना प्लीज। मतलब आज भी ऑफिस में ऑफिस का काम करने का मूड नहीं है? लगता है फेसबुक में काफी बिजी हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, ये बात मेरे लिए भी लागू होती है। हाय फ्रेंड्स। हाय अरुण। लगता है सेटिंग चालू है। हाँ हाँ भाई। अरे गेंडा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है? वो आ जाएगा यार। वो कौन सा जल्दी आता है? कैसा है बे? अरे आ गया आ गया। मैं तेरे बारे में ही पूछ रहा था बे। हाँ सुना मैंने, मेरे बारे में क्या बातें चल रही थी। अच्छा वो छोड़ो, कल भी पार्टी थी? हाँ कल वो मेरे दोस्त की ब्रेकअप पार्टी थी। क्या कहूँ यार, बहुत मजा आया। अच्छा ये बता पिया कितना? लगभग 1 क्वार्टर। 2 पैक लगा के तू टाइट हो जाता है। अबे तूने मुझे क्यों नहीं बुलाया?
उसकी आइटम को तूने पटाया और तू उम्मीद रखता है कि तुझे बुलाए। सही कहा यार। ठीक है, मुझे तो काम याद आ गया है, मैं निकलता हूँ। अमीर सर, मैं निकलूँ ना? ओके बाय। अच्छा सुनो, संडे जब आओगी तो घर वालों को बोल देना लेट होगा। हाय फ्रेंड्स, क्या बात है, मैं दो दिन ऑफिस नहीं आया तो ऑफिस पूरा खाली खाली लग रहा है। अबे तू लंच टाइम में ऑफिस में आएगा तो तुझे कौन मिलेगा? क्या बात कर रहा है। हाँ। मैं इतनी जल्दी ऑफिस आ गया, मुझे तो टाइम का पता ही नहीं चला। अरे वाह, क्या बात है। क्या हुआ, ये लड़की कौन है यार? एक नंबर फिगर है। बॉस क्या बोल रहे हो आप? क्यों यार, उसको देखो मत, वो एचआर की आइटम है। एक बार देखो तो नजर हटती ही नहीं है, क्या लड़की है, पटाखा है। अबे तुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो टॉयलेट में जाना, तेरी बातों से हम लोगों का दिमाग क्यों खराब कर रहा है? अरे बात वो नहीं है यार। तो क्या बात है? तुझे ये बातें समझ में नहीं आएंगी। वो क्यों? तू विनय को बुला यार। तो खुद बुला लेना। तुझसे बात करने से अच्छा तो अपना सर दीवार पे पटक ले। ठीक है, मैं ही बुला लेता हूँ। अच्छा विनय, क्या हुआ यार? आज एचआर वाले को इस लड़के से जूते पड़ने चाहिए। हे, ऐसा करके हमें क्या मिलेगा यार? विनय, इसका कोई ना कोई तो हल निकाल। आज शाम की ट्रीट ना मेरी तरफ से, ओके ना? ट्रीट कहा तूने? ये हमें ट्रीट देने वाला है। ए विनय, उसका काम कर देना, मैं ट्रीट मिस नहीं करना चाहता यार। सुनना, जम कर पियेंगे इसकी पार्टी में। ठीक है यार। उसे बुरा तो नहीं लगा सर? हाँ, इस फाइल को रेखा के टेबल पर रख दो। ओके सर। मैं ऑफिस का काम करने आया हूँ या इसकी सर्विस करने आया हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। इस सॉफ्टवेयर मॉड्यूल में जो कुछ लिखा है तुमने चेक किया है ना? हे शंकर, जरा यहाँ। यस सर। फाइल कहाँ ले जा रहे हो? एचआर ने इस फाइल को मैडम के टेबल पे रखने को बोला। जरा मुझे दिखाना तो। सर वो क्या है कि अरे दो ना शंकर, मैं चेक करके रख दूंगा ना वहां पे। अरे यार क्या है वो? यार ये एचआर तो हमसे भी दो कदम आगे है। क्यों भाई, ऐसा क्या किया उसने? नाइट शो का दो टिकट निकाल कर रखा है उसने। क्या बात कर रहा है, इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना है भाई। हाँ यार, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा इसका। किसी को बता मत, तू चुपचाप जाके पिक्चर देखा। अबे क्या बात कर रहा है यार तू। ए डेविड यार, कभी कभी तेरी आइडियाज बहुत बकवास होती है, सच कहता हूँ। एकदम तेरी बियर की तरह, अंदर पानी ऊपर झाग। ए बस करो यार तुम दोनों। ए आमिर, तुम्हारे पास कॉन्डोम है क्या? रुक जरा देखता हूँ। ये बंदा तो एवर रेडी है। ये आदमी है कि कंडोम की चलती फिरती दुकान। पहले जो कुछ भी किया कंपनी के बाहर किया, याद रखना कि अब ये कंपनी में है और ऊपर से एचआर भी है। अरे एक मिल गया। ठीक है मुझे दो। ए सिर्फ एक ही है यार। अच्छा विनय, तुम उसकी मदद करना चाहते हो या उसी की बचाना चाहते हो, इरादा क्या है तुम्हारा? ए शर्त जितनी है या नहीं, मुझे दो ना यार। हाँ ये ले, और कोई ना कोई हल जरूर निकालना। अरे तो ऐसी खतरनाक चीज लेके घूमेगा? अरे मेरे लिए ये जिंदगी है, लेकिन एचआर के लिए मौत। यार तेरे आइडिया की तो दाद देनी पड़ेगी। ए तुम लोग चुप नहीं रह सकते, सारे ऑफिस वाले यही देख रहे हैं। यार मैं अभी आता हूँ। संभाल कर भाई। इसको जूते पहनने का मौका। हेलो। हाय रेखा। हाय, क्या हुआ, मोबाइल पे फोन कर रही हो, बात क्या है? बात थोड़ी इम्पोर्टेंट है। बात क्या है, तुम्हारा मूड कुछ अलग लग रहा है। तुमसे बात करने पर ऐसा ही रहता है। तुम्हारे टेबल पर एक फाइल है, उसे खोल कर देखो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? व्हाट? क्यों, कैसा लगा? आज रात को 2 घंटे तक मजे करेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। थप्पड़ खाओगे तुम, मेरे बारे में क्या सोच रखा है? क्या कहा, सुनाई नहीं दिया? आप क्यों सुनाई देगा, एक काम करती हूँ, तुम्हारे केबिन में आती हूँ फिर सुनाई देगा। हे विनय, अंदर क्या चल रहा है? यार विनय, फाइल रख के तो काफी देर हो गई ना, अभी तक कोई बॉम्ब फटा क्यों नहीं? शायद वो लड़की भी इसी मौके का इंतजार कर रही थी। सब्र करो यार, टाइम बॉम्ब है, वो टाइम पर ही फटेगा। 1 2 क्या बात है विनय, टाइम बॉम्ब। हाँ क्या हुआ रेखा? क्या कहा? रेखा
तुम आदमी हो या जानवर? मैंने तुम जैसा एचआर अभी तक नहीं देखा। विनय, एक बार अंदर जाके देखिए हूँ क्या हो रहा है। ए, बात मान मत जा। ए, मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। एक लड़की से ऐसी बदतमीजी करते मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। ए, ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम जैसे लोगों को? तो भाई अंदर तो महाभारत हो रही है, सास बहू में भी ऐसा झगड़ा नहीं चलता होगा। ए, कुछ समझ में भी आ रहा है? अंदर जो बात होती है बाहर नहीं सुनाई देती, तुझे कैसे पता चला? ऐसे सीन्स के लिए डायलॉग्स की जरूरत नहीं होती, बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। उसका एक्शंस भी इस तरह से है जैसे वो एचआर को सर्फ पाउडर में डाल के धो रही हो। I really don't understand who will actually behave like this with a girl. My God, I just can't take it. Hey, रेखा। नाम मत लेना मेरा। किसने इस गधे को एचआर बना दिया पता नहीं। क्या बात है यारो, आज रात की पार्टी पक्की ना। सिगरेट देना और चार चाय। अरुण भाई साहब नहीं आए? बस आ ही रहा है। सुन यार, एचआर को हम सब पर खुन्नस है, आगे कुछ भी करो संभल कर करना। अबे एचआर की बजी पड़ी है तो हमें क्यों संभल कर रहना होगा। अबे गधे, मस्ती बहुत हो गई, अब काम पे ध्यान दे। ओह रियली? मस्ती। सुनिए, एक लेमन टी देना। लेमन टी? वो किस लिए? कल जो रात को दारू पी थी उससे उल्टी जैसा कुछ हो रहा है। ए उल्लू, उल्टी आ रही है तो यहाँ नहीं बगल में जाकर कर। यार तुम जरा रुको। कहाँ जा रहा है? मैं अभी आता हूँ। आमिर, जरा अरुण को फोन करो, इतनी देर क्यों लगा रहा है? अरे यार मैंने ट्राई किया लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा है। तुमने उसे बुलाया था ना? हाँ मैंने उसे चाय के लिए बुलाया था। गया था भाई, गाड़ी चेक करने गया था यार। अच्छा, एक काम करो, इसको फोन करके बोल माल लाने जा रहे, दौड़ा दौड़ा चलाएगा वो। सही बोल रहा है तू, हो सकता है मोबाइल साइलेंट पर रखा हो। ऐसा तो वो कभी करता नहीं है। ठीक है चल कर देखते हैं। हाँ चलते। सुनिए वो अकाउंट में डाल दीजिए। ठीक है। अरुण भी ना आजकल काफी सुस्त हो गया है। हाँ मैंने भी कई बार नोटिस किया है। उसे बिठाकर समझाना पड़ेगा एक दिन। अच्छा डेविड, क्या हुआ? मुझे एक काम है, तुम लोग सब लोग आगे जाओ, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहा है? समझा करना, माल लाने जा रहा हूँ। यार ये भी कोई माल का टाइम है? है, मेरे लिए है, समझा? तू आगे चल, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है जाओ। ये क्या हुआ इसे? अरे यार ये तो मर गया है। ए, ये क्या बोल रहा है? हाँ यार, ए, अभी तक तो ये ठीक था यार, अचानक ये सब कैसे हो गया? वही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। ए भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। ए विनय, किसी ने देखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो चलकर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। हाँ ठीक है चलो। चल
कौन था? दोस्त था ये? हाँ सर। हाँ सर। नाम क्या था? अरुण सर। ठीक है, मेरे साथ चलो। पहले बॉडी को किसने देखा? सर, हम तीनों ने एक साथ देखा है सर। ऑफिस का काम तो खत्म हो गया था, तुम लोग वापस क्यों आए? सर, अरुण हमारा दोस्त है सर। ऑफिस खत्म होने के बाद हर रोज हम लोग नीचे चाय पीते हैं। आज बहुत देर इंतजार करने के बाद भी वो नहीं आया, तो हमने यहाँ कर देखा तो ये मर चुका था। तुम लोग हमेशा साथ में जाते हो, तो आज उसे छोड़कर क्यों गए? उसने कहा था कि ऑफिस में कुछ काम है, तुम लोग चाय की दुकान पर वेट करो, मैं अभी आता हूँ। इसलिए हम पीछे गए। तुरंत एम्बुलेंस को फोन करो और अंदर की पूरी तलाशी लो। ओके सर। तुम्हारा नाम क्या है? आमिर सर। क्यों, तुम्हें कुछ नहीं कहना? ऐसा कुछ नहीं सर, उसने कहा कि वो बस आने ही वाला है। सर, आमिर बहुत डरा हुआ है सर। मैंने तुझसे पूछा क्या? तुम कुछ कह रहे थे ना? हम चाय पीने गए थे सर, तब डेविड और मैं, हम उसे ढूंढने आए थे। क्यों डेविड, तुम नहीं बोलोगे? आखिरी बार तो तुमने उसे देखा था ना? सर, उसने सिर्फ इतना ही कहा था कि वो बाद में आएगा। तुमसे बात करते समय वो दबाव में था क्या? ऐसा कुछ नहीं था सर, वो हमेशा की तरह नॉर्मल था। मैंने सब इंतजाम कर दिया सर, तुम्हें जब भी बुलाऊं तो आना होगा। ओके सर। पांडे, एसीपी साहब को इन्फॉर्म कर दो। ये क्या यार, हमने पुलिस को फोन करके बुलाया और पुलिस हम पे शक कर रही है। और नहीं तो क्या? हे, अभी क्या करें हम लोग? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा यार। यार, वो माल नहीं मिला यार। ठीक है चित्रा, मैं कल शाम को तुमसे मिलता हूँ, घर पे बता देना, लेट हो जाएगा। यार, वहां से यहाँ तक पहुंचाने की फोन आ गया तुझे? यार, इसे लड़की पट कैसे जाती है? यार, इसके लिए लक होना बहुत जरूरी है, इसलिए लड़कियां मुझे देखते ही ना मेरे पीछे पड़ जाती हैं। आजकल की लड़कियां बिना गधों के पीछे पड़ जाती है। ए, चुप रहो ना यार, कितनी बकवास करते हो। वैसे ही प्रोजेक्ट का टेंशन है और ऊपर से तुम्हारी ये बकवास। कूल डेविड यार, कूल। यार डेविड, टाइम है तो बताना, मैं जरा दम मार के आता हूँ। तुम थोड़ा चुप नहीं रह सकते? दिमाग खराब करके रख दिया। हे, अगला नंबर हमारा ही है, तुम्हें इससे क्या लेना देना? हे, कुछ नहीं, बस ऐसे ही जानना चाहता था। मुझे पता चला कि अगली बैच रेखा की बैच है। सच में? तुझे इतना क्यों शौक लगा? शौक नहीं मेरे भाई, खुशी है ये। रेखा, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। Now, let me present. हाँ? यार, ये कौन से प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही है? अरे, ये उसका पर्सनल प्रोजेक्ट है। ये फोटो यहाँ कैसे आई? किसने किया? तुम्हें मैंने कितना समझाया, लेकिन तुम समझती नहीं हो। अच्छा, ये तुम्हारा अपना प्रोजेक्ट है क्या? ये फोटो तुम्हारे पास ही था ना? तो अब तुम मुझे लोगों के सामने बेइज्जत कर दोगे? हाँ? यहाँ से जल्दी निकलो, इससे पहले एचआर का फ्रस्ट्रेशन हम पर निकले। चलो। ये किसने किया होगा? बड़ा अनजान बन रहे तू, तेरे सिवा और कौन कर सकता है? यार, मैंने तो नहीं किया। इसका मतलब हमें छोड़कर और भी लोग हैं जो ये कांड कर रहे हैं। ज्यादा मत सोचो, ये मैंने किया है। क्या बात है, ग्रुप लीडर की हैसियत से तूने बड़ा अच्छा काम किया है। क्या भाई डेविड, तेरी हाइट की तरह ही तेरा दिमाग भी ऊंचा है।
हेलो, ये राहुल, मैं आमिर बोल रहा हूँ। हाँ, सुन रहा हूँ। तू घर पर है क्या? अच्छा, पार्टी में आने वाला है? कौन सी पार्टी? अबे जैसी तू सोच रहा है वैसी पार्टी नहीं, बर्थडे पार्टी है। अच्छा, दारू मिलेगी? नहीं यार, बियर तो मिलेगी ना? नहीं यार, लेकिन मस्त मस्त लड़कियां होंगी वहां पे। ये उन मस्त लड़कियों का अचार डालूंगा। तो छोड़ यार, फोन रख दे, बकवास करता है।
But even by his standards, that was a magnificent hit. I couldn't believe it when he was going to shoot from that sort of distance, but it's ended up in the back of the net. And he was always likely to produce goals. It's 2-0. Really good tussle, only one winner though. यार सुनना, कल रात मेरे घर पे कुछ अजीब हुआ। राहुल, तेरे घर पे भी? यार मजाक मत कर यार, ऐसे लगा जैसे कोई लड़की मेरे घर में घूम रही है। अबे जब तू एक पैग पीता है ना तो तेरा दिमाग घूमना शुरू हो जाता है, ये तो हमेशा का है, और ऐसे में तुझे एक लड़की दिखाई देती है। तू भी ना सा। हे, इतनी टेंशन क्यों ले रहा है यार? अबे फटी पड़ी है। ए, पहले उसे बोलने तो दे यार। ठीक है, बता क्या हुआ था। तू अपना मुंह बंद रख। ठीक है। कल मुझे इसका फोन आया था, और फोन रखने के बाद मुझे टायर्ड फील हो रहा था तो सोचा मुंह धो लूं, और वॉश बेसिन की तरफ जा रहा था तो आईने में एक चुड़ैल देखी। अचानक आईने में देखो तो ऐसा ही लगता है। चल तेरी बात मान लेते हैं, लेकिन जब मैं सो रहा था तब टक टक ऐसी आवाज आ रही थी, उठकर दरवाजा खुला तो कोई नहीं था, तो वो आवाज कहां से आ रही थी? तेज हवा चलने की वजह से ऐसा हुआ। तेज हवा अगर चल रही है तो बाहर चल रही होगी ना। तो मुझे एक बात बताओ, मेरे किचन के बर्तन कैसे गिर गए? अरे बिल्ली या चूहा होगा, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? चुप रहो यार, राहुल कुछ कहना चाहता है। क्या बात है यार, तू ये जो मेरी फीलिंग समझ रहा है। और जैसे ही मैं किचन की ओर गया तो वहां से मुझे और भी आवाज सुनाई दी। देखा तो टीवी ऑन था, और जब मैं हॉल की तरफ गया तो देखा कि हॉल के सोफे पे कोई बैठा हुआ है, और जैसे मैं करीब गया तो वहां पर कोई था ही नहीं। राहुल, मुझे तो ये कोई भूत की तरह लगती है। हाँ यार, जब मैं टीवी बंद करने गया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे ही कोई खड़ा है, और जैसे ही मैंने मुड़कर देखा तो वो चुड़ैल सीधे मेरे सामने खड़ी थी, एकदम मेरे नाक के करीब। मुझे तो हार्ट अटैक आने वाला था। हो सकता है कि वो अपना अरुण हो। हाँ? नहीं यार, अरुण नहीं था, मुझे यकीन है वो एक लड़की थी। अबे छोड़ यार, पार्टी देनी ना पड़े इसलिए अपना राहुल कोई नई कहानी बना रहा है। अबे सच कह रहा हूँ यार। तू जब बोल रहा था ना तभी सच का पता चल गया था। भूत प्रेत की कहानी सुनाने वाला आहट का पुजारी, अगर आज तूने पार्टी नहीं दी ना तो मेरे हाथ से मार खाएगा। यार आज पार्टी नहीं करते, मेरा मन कुछ ठीक नहीं है। हे, इसके लिए तुमने ये सब कहानी सुनाई? अपने दिमाग से ये बोझ हटा दे यार, बर्थडे के दिन इतना टेंशन क्यों ले रहा है? सुन भाई, अगर वादे के मुताबिक आज तूने पार्टी नहीं दी तो जिंदगी भर मुझसे बात मत करना। अच्छा ठीक है, करते हैं, लेकिन एक शर्त है, आज की पार्टी रात को मेरे घर पर करेंगे, ठीक है ना? तेरे घर पे? मेरे पास माल भी है यार। अच्छा ये बता, कितने खंबे पिलाने वाला है? साले तो से एक क्वार्टर तो पी नहीं जाती, तू खंबे की बात कर रहा है? शांत हो जा भाई, रात को पी लेगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। क्या यार, आके इतनी देर हो गई, माल कहां पर है? रुकना यार, विनय लेने गया है। अरे ये क्यों ऐसे बैठा है, दारू पीने से पहले कहीं मार कर तो नहीं आ गया? ए राहुल, ए राहुल। हाँ क्या हुआ यार? मैं इतनी देर से क्या कह रहा हूँ, सुनाई दे रहा है? सुन रहा हूँ यार। ए राहुल, अब क्या हुआ बोलेगा? देख यार, फालतू बातें सोचकर ज्यादा परेशान मत हो। ए, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं होती। हे, तू ये बॉटल ओपन करके क्यों लाया? हे, आज तेरा बर्थडे है ना, इसीलिए ये तेरे लिए स्पेशल है। पता नहीं आज क्या स्पेशल होने वाला है। भाई जब इसकी गर्लफ्रेंड इसे छोड़कर गई थी ना तब भी इसे इतना फील नहीं हुआ होगा। यार तुम लोग चुपचाप बैठे हुए हो, अरे अपनी अपनी बोतल तो उठाओ। आज तेरा बर्थडे है ना, आज तुझे खुश रहना चाहिए, पहले तू ले, ले ना। कहा ना यार ले। ए, उठा ना यार, खत्म हो गई तो एक्स्ट्रा पिलाने का वादा मेरा है, ठीक है ना? चलो उठा। ए राहुल, हमें आज पता चला कि तू बियर किस लिए पिला रहा है। शादी हुई तो पिलाते हैं, शादी टूट गई तो पिलाते हैं, लव सक्सेस हुआ तो पिलाते हैं, लव में फेल हुआ तो भी। आज मुझे पता चल गया तू क्यों पिला रहा है। ए उठना यार।
अरे यार ये राहुल भी चलना चल। अच्छा सुन, ये हमारे कॉलोनी के बच्चे है ना, जूनियर बच्चे। हाँ यार, यहाँ पर क्या कर रहे? तुम्हारा बर्थडे है यार। बोले तो ये हमेशा मुझसे ट्रीट मांगते रहते हैं ना, इसलिए मैंने फोन करके बुला लिया। क्या सही कहा ना? आज बॉस ने पार्टी की बात की इसलिए हम आ गए। अबे पिद्दी तो है तू, बियर पिएगा। मुझे इन सब में नहीं पढ़ना है, चलो यहाँ से। ये ऐसे क्यों चला गया यार? सीनियर और जूनियर को साथ में रखती है बियर। जाके भी कहाँ जाएगा, चलो सब बनाते हैं। चलो डेविड, अरे कहाँ हो यार? अच्छा विनय को लेके आना, राहुल के घर पे चलना है, और जल्दी आ। रघु। यस सर। कौन है ये सब? मरने वाले के दोस्त हैं सर। उन सबको यहाँ आने के लिए बोलो। अभी बुलाता हूँ सर। सर वो लोग आ रहे हैं। तुम्हारा दोस्त था क्या? अच्छी पार्टी हुई रात को। तुम्हारे दोस्त का कोई दुश्मन है? नहीं सर, दुश्मन तो कोई नहीं है। तुम लोगों को देखकर लगता नहीं है। सर ये लोग रात को काफी पिए हुए थे, इन लोगों को पता नहीं कि राहुल कब और कैसे मरा। सर हमारे पीने से राहुल की मौत का क्या संबंध है? तब तुम लोग यहाँ पर क्यों आए थे? राहुल की बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद जब हम लोग जा रहे थे तो हमें राहुल के नाम का एक MMS मिला। हमने फौरन उसे फोन किया, रिंग जा रही थी लेकिन उसने अटेंड नहीं किया। आमिर ने आकर देखा तो वो मर चुका था, इसीलिए हम यहाँ आए सर। सर इन लोगों के ग्रुप में ये दूसरा खून है, लगता है इनका कोई दुश्मन इन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। सर सच में हमने कुछ भी नहीं किया सर। उस MMS नंबर पर कॉल किया क्या? वो नंबर स्विच ऑफ है सर। रघु बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और जिस नंबर से MMS आया उसको ट्रेस करके मुझे बताओ। लिफ्ट में मरे आदमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि मौत की वजह सांस फूलना है सर। उस रिपोर्ट को भी साथ में भेज दो। ओके क्विकली। ओके सर। क्या हुआ? सर राहुल कल रात को किसी चुड़ैल के बारे में बताकर बहुत ही डर गया था, तो कहीं चुड़ैल ने उसे। हाँ सर, ये कोई भूत प्रेत का काम तो नहीं? चुड़ैल आजकल MMS भेजती है। हाँ बोलो रघु। सर राहुल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अल्कोहल लेवल ज्यादा हो गया है ऐसा लिखा हुआ है। और वो मोबाइल नंबर? पूजा नाम की किसी लड़की का है सर। जब खून हुआ तब उसका नंबर स्विच ऑन करके बाद में उसे स्विच ऑफ कर दिया गया सर। उस लड़की का एड्रेस? N20 लाजपत नगर, नेहरू रोड, स्वास्तिका पार्क, चेंबूर, मुंबई सर। ओके कल सुबह हम लोग वहां मिलते हैं। ओके ओके सर। बाय बाय। कौन चाहिए आपको? यहाँ पूजा रहती है क्या? मेरी ही बेटी है। हम अंदर आ सकते हैं? आप? हम शक्ति ACP। अंदर आइए। बोलिए सर। आपकी बेटी पूजा से मिल सकता हूँ? नहीं सर, उसे मरे हुए 2 साल हो गए। किस कारण से उसकी मौत हुई थी? कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी? ऐसा कुछ नहीं था सर, एक दिन ऑफिस से जब घर आई तो वो बहुत दुखी थी। जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ तो कुछ बताए बिना ही वो अंदर चली गई। बाद में मुझे पता चला कि उसने आत्महत्या कर ली। ये ड्राइंग बुक किसकी है? मेरी बेटी की। मैं देख सकता हूँ? हाँ। पूजा का रूम देख सकता हूँ? हाँ देख सकते हैं, आइए। हाँ
बेटे जरा यहाँ आओ। सर तुम्हारा नाम क्या है? सुंदर सर। यही है उसका कमरा। ये पूजा का लैपटॉप है क्या? हाँ सर। वो ज्यादातर अपना समय इसी कमरे में बिताती थी। अच्छी पेंटिंग है। तुम्हारी बहन ने आत्महत्या की थी क्या? नहीं सर, मेरी बहन ने आत्महत्या नहीं की थी। तुम ये कैसे कह सकते हो? मेरी बहन तो आत्महत्या के नाम से नफरत करती थी। उसे किसी ने बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया था। उसी मुसीबत से परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, हम देखते हैं। हेलो सर, आई एम शक्ति, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। हेलो सर, प्लीज बी सीटेड। हाँ बोलिए, क्या बात है? आपके ऑफिस में कुछ समय पहले पूजा नाम की लड़की काम करती थी ना? कौन पूजा? जिसने सुसाइड किया, वही पूजा। हाँ याद आया, लेकिन वो केस तो हम बंद कर चुके हैं ना। पूजा ने सुसाइड किया आपके ऑफिस में घटी हुई घटना के कारण। सर उस केस का और इस ऑफिस का कोई संबंध नहीं है। इनफैक्ट उसने जो प्रॉब्लम की थी उसके लिए हमने पुलिस में कंप्लेंट भी कर दी है। उस लड़की की वजह से आपके ऑफिस में क्या प्रॉब्लम हुई थी? सर उस लड़की ने हमारी कंपनी के सॉफ्टवेयर को राइवल कंपनी को बेच दिया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो उसे लगा कि कहीं पकड़ी ना जाए, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। एक्सक्यूज मी सर। क्या हुआ रघु? एक मिनट सर। एनीवेज थैंक यू। ओके, जरूरत पड़ी तो मैं वापस आऊंगा। श्योर सर, थैंक यू। बोलो रघु। सर डेविड ने ही खून किया है सर। किसने? उस लंबू ने? हाँ सर। उसी ने खून किया, कंफर्म कैसे कह सकते हो? सर राहुल के मरने से पहले उसके सारे पैसे डेविड के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए थे। सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लगता है कि डेविड ने ही राहुल का खून किया होगा। ये बात है, चलो देखते हैं। यस सर। उनको बुलाओ। ओके सर। क्या हुआ सर, खूनी का कुछ पता चला? बोलिए ना सर। वो तो डेविड को पता होगा। सही कहा ना डेविड? सर आप मजाक कर रहे हैं, मुझे कैसे पता होगा? स्मार्ट मत बनो डेविड। मैंने क्या किया सर? राहुल की मौत से पहले उसके अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में मनी ट्रांसफर हुआ था ना? मनी ट्रांसफर हुआ ये सच है सर, अमीर के अकाउंट से भी पैसे ट्रांसफर हुए, तो क्या उसके लिए अमीर भी जिम्मेदार है? ए डेविड चुप रहे ना यार, क्या कर रहा है तू? और नहीं तो क्या, मैं उसका खून क्यों करूंगा? ये तो उसका दोस्त है सर। असली खूनी का आपको पता लगाना है सर। तुम्हें तो देख लूंगा डेविड। देखते हैं सर। बहुत पछताओगे। कुछ नहीं ईशा, मैं बस अभी घर आया हूँ। बहुत लेट हो गया, आज काफी देर तक ऑफिस में बहुत काम चल रहा था। हाँ सब कुछ मुझे ही तो देखना है, और इतना ही नहीं मुझे ही सब कुछ करना है तुम्हारे लिए। ठीक है ये बताओ तुम्हारी टीम का हाल कैसा चल रहा है? मैंने सब रेडी करके तुम्हारे मेल में डाल दिया है, कल सुबह जाते ही चेक कर लेना। वीकेंड फ्री हो तो लोनावला जाके आते हैं ना, क्या जब देखो मना कर देती हो। हमेशा से मेरे बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं, लेकिन तुम क्यों उनके बारे में इतना बात कर रही हो? हाँ ईशा बताओ। अरे वो तो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, बात को समझा करो यार। अब उनके साथ दारू पीने बैठो तो कौन सी बड़ी बात हो गई? मैं तो हमेशा से ही बैठता था, इसमें तुम क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? ठीक है एक मिनट रुकना।
नहीं कुछ नहीं, बस अब तो दूध गर्म कर रहा हूं। आजकल हमारी मुलाकात भी कम हो रही है। चाहो तो कल सुबह तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊं? मैं तो ऐसा ही हूं। ठीक है, तो अब बताओ क्या करना है, तुम कहो तो मैं आ जाऊं। हाँ ठीक है। ए, एक मिनट। हाँ नहीं किया था। चलो बताओ अब आगे क्या करना है। उसके बाद एक मिनट। हाँ
क्या बात है यार, ऐसे अचानक क्यों बुलाया? बोल ना, क्या बात है? ए, किसी लड़की का लफड़ा तो नहीं है? ए, बात वो नहीं है यार, कल मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोन पे बात कर रहा था। ए, वो तो तू हमेशा ही करता है, तेरे लिए कोई नई बात थोड़ी है। ए, अरे मजाक कर रहा था यार। अरे उसे बोलने तो दे यार। हाँ तू बता। तभी मेरे फोन पे एक मैसेज आया, आर यू हैप्पी नाउ करके। ए, शायद तुम्हारी किसी गर्लफ्रेंड ने भेजा होगा। नहीं यार, उसके बाद और एक मैसेज आया, नेक्स्ट यू करके। क्या नेक्स्ट यू? इन सब बातों पे ध्यान मत दिया कर भाई। तूने उस नंबर पे फोन किया? हाँ किया यार, लेकिन वो नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। और सिर्फ उतना ही नहीं, जब मैं फोन पे बात कर रहा था तब कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी, और जब मैंने देखा तो लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। ए, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। राहुल ने भी मरने से पहले यही कहा था। ए, तू मुझे और डरा मत, एक तो मेरी पहले से फटी हुई है और राहुल की मौत से तो मेरी नींद वैसे भी हराम हो चुकी है। ए आमिर, तू डर मत यार, तुम यहीं बैठो, मैं कुछ लेकर आता हूँ। जल्दी आ। आमिर देख भाई, अगर तुझे कुछ हो गया ना तो एसीपी मुझे छोड़ेगा नहीं। यार मुझे भी डर लगने लगा है यार, कुछ ना कुछ तो जरूर है। ए, डरा मत, बकवास मत कर, एक तो पहले से हालत खराब है। ठीक है, अभी तुम लोगों का अलग रहना ठीक नहीं है, इसलिए एक काम करो, तुम लोग मेरे घर पर आकर रहो, मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम करता हूँ। अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर देना। ठीक है यार, चलो अब चलते हैं, बहुत देर हो गई है। बोल क्या हुआ? मुझे एमएमएस मिला, तुझे मिला क्या? तू रुक, मैं देखता हूं। ठीक है, तू वहीं रुक, मैं अभी आता हूं। मैं वहां से निकलकर आमिर को देखने गया, वहां पहुंचा तो आमिर उस गाड़ी में ही मर चुका था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं वहां से भाग गया। कुछ देर में एसीपी मुझे ढूंढते हुए मेरे घर पहुंचा और मैं वहां से बचकर तुम्हारे पास पहुंच गया। ए, पीछे पुलिस आ रही है। चल बाहर निकल, आगे नहीं जा सकते। रघु गाड़ी रोको, भाग रहे हैं, जल्दी। Thank you.
आपने सर मुझे अरेस्ट क्यों किया? इसका जवाब तुम्हें अच्छे से पता है। मुझे कैसे पता होगा सर? मेरे सवालों का जवाब तुम्हें पता है। तुम खुद बताओगे या मैं निकलवाऊं? ये लड़की कौन है तुम्हें पता है या नहीं? पता है सर, इसका नाम पूजा है। पूजा का फोन नंबर? फोन नंबर मुझे नहीं पता है सर। क्यों बे, फेसबुक पे अलग अलग फोटो डाल सकता है पर फोन नंबर याद नहीं है तुझे? रघु सर बताओ, फेसबुक पर चैटिंग करते थे लेकिन नंबर नहीं पता, ये बात मैं कैसे मान लूं? हाँ सर, ऐसी खूबसूरत लड़की मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। 2 साल पहले मैं अपने केमिकल सर्कुलेशन प्रोजेक्ट के सिलसिले में अपने दोस्त से मिलने उसके हॉस्पिटल गया था। क्या बेटा, जब देखो तब मोबाइल पे बिजी रहती हो। क्या माँ, तुम भी ना, मैं तुम्हारे लिए हॉस्पिटल आई हूँ। तो फिर शांति से मेरे साथ रहो ना। मैंने कहा ना मेरा इंटरव्यू है। तो फिर कल है, मुझे साथ में लेकर आ जाती। मैंने तुमसे घर पर ही कहा ना कि मैं ही आऊंगी। अब जब आ गई हो तो साथ तो रहना बेटा। तुम्हारे साथ कहीं भी जाना ना मेरे लिए सरदर्द बन जाता है। कभी कभार तो मेरे साथ आती हो फिर भी बात नहीं करती। तुम थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकती क्या? नहीं माँ, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। 12 बजे मेरा इंटरव्यू है, मैं जा रही हूँ। क्या पूजा, तुम पिछले 1 महीने से कह रहे हो कि मुझे साथ लेकर जाओगी, साथ लेकर जाओगी। अब जब तुम आ ही गई हो तो थोड़ी देर मेरे साथ बैठो ना। इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है माँ, तुम डॉक्टर से मिलकर आना। हाँ बेटा, इस औरत की तबीयत खराब है क्या? नहीं, मैं निकल रही हूँ। रुको ना बेटा, क्यों ऐसा कर रही हो तुम? क्या अपनी माँ के लिए थोड़ा वक्त निकाल सकती हो? क्या सही लड़की है यार। आंटी, एनी हेल्प? उसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा। कोई बात नहीं आंटी, बताइए। नो थैंक्स। कोई ऐसे बदतमीजी से बात करता है क्या? डॉक्टर से मिलने के लिए काफी लेट हो रहा है। आंटी, इस हॉस्पिटल का एमडी मेरा दोस्त है, चलिए मैं ही आपको डॉक्टर से मिलवा देता हूँ। तुम यहीं रुको, मैं अभी जाकर आती हूँ। आप यहीं रुकिए, मैं इन्हें डॉक्टर से मिलवा कर आता हूँ। हेलो, मेरा नाम विनय है। पूजा। बहुत बेकार रिस्पांस था। आइए आंटी, क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ टेस्ट लिए हैं, रिजल्ट आने में 1 घंटा लगेगा। तुम चाहो तो चले जाओ। शैला कौन है? कौन है यहाँ पर शैला? डॉक्टर बुला रहे हैं। संभल कर जाना माँ। कौन सी कंपनी का इंटरव्यू है? कोई बात नहीं, बताइए ना। वीआर सॉल्यूशन में। कौन सा सोल्यूशन? आप निकल सकते हैं। VR solutions. मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, अगर आपको परेशानी ना हो तो मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। कोई जरूरत नहीं। सीरियसली, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। लेकिन माँ को छोड़कर? उन्होंने कहा ना कि वो ऑटो में आ जाएंगे, फिर क्या प्रॉब्लम है? आप चलिए, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। माँ को क्या हुआ है? जब मैं और माँ बात कर रहे थे तो आपने सुन ही लिया होगा ना। अच्छा, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? वो मैं इंटरव्यू में बताऊंगी। आपकी इंटरव्यू खत्म हो गई तो हम आगे बढ़े। कुछ भी पूछो उल्टा ही जवाब देती है। अच्छा, आपको वीआर सॉल्यूशन ही जाना है ना? वहाँ आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल लग रहा है। आप मुझे मेरा फ्यूचर बताने आए हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी उस पोस्ट के लिए किसी और को सिलेक्ट कर लिया उन्होंने। किसी और को सिलेक्ट कर लिया? कैसे? और कैसे, रिकमेंडेशन लेटर के जरिए। हॉस्पिटल में ही बता देते तो मैं नहीं आती। हाँ, इसीलिए झूठ बोलकर ले आया। रिकमेंडेशन लेटर से नौकरी पाना भीख मांगने जैसा है। इससे तो अच्छा है किसी मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगे।
आप ऐसा क्यों कह रही है? मैं तो किसी और के बारे में कह रही हूँ, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ। सॉरी। कोई बात नहीं, आप इंटरव्यू में ये कार्ड दीजिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। राधा एडवोकेट? डरने की जरूरत नहीं है, वो मेरी माँ है। तो फिर आप इंटरव्यू के लिए नहीं जा रहे हैं? मेरा इंटरव्यू में जाना जरूरी नहीं है, एक दोस्त के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। लेकिन एक कंडीशन है। क्या? मेरी सैलरी में से तुम्हें कमीशन चाहिए? नहीं, शाम को एक कॉफी पीनी पड़ेगी साथ में। आपके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। ओके ओके, स्टॉप स्टॉप। हेलो, शाम को कॉफी पक्की ना? अगर टाइम मिले तो जरूर। हाय विनय। हाय पूजा, क्या हुआ, जॉब मिल गई? क्यों, अगर नहीं मिली तो क्या करोगे? सिंपल, बिल में ही पे करूंगा। थैंक्स। क्या हुआ, जॉब नहीं मिली क्या? थैंक्स, मैंने जॉब मिलने के लिए ही कहा। मुझे थैंक्स कह के शर्मिंदा कर रही हो, ये सब तो मेरे लिए आम बात है। तुम्हें नहीं, तुम्हारी माँ को थैंक्स। ठीक है, आप बताइए आप क्या लेंगे, कुछ ठंडा या गर्म? हेलो, ट्रीट मेरी तरफ से है, तो तुम कहो कि तुम्हें क्या चाहिए। टू कोल्ड कॉफी। तुम्हें क्या चाहिए सिर्फ इतना बताओ। ओके, तो आपको हॉट पसंद है क्या? हाँ, तुम्हें कैसे पता? कुछ नहीं, आपको देख के पता चल गया कि आप बहुत हॉट हो। क्या कहा? कुछ नहीं, मैं लेकर आऊँ क्या, यही पूछ रहा था। नहीं, मैं लेकर आती हूँ। हर तरफ से कितनी खूबसूरत है ये लड़की। थैंक्स पूजा। अच्छा, तुमने जॉब क्यों छोड़ दी? मुझे एक ही जगह पर कंप्यूटर के बटन को बार बार दबाना अच्छा नहीं लगता है, बस इसीलिए। मैंने बहुत मेहनत करके एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, बहुत जल्द उसे गवर्नमेंट में सबमिट करूंगा। तुम ऐसे कैसे हो, बार बार गोल चेंज करने से लक्ष्य प्राप्त होता है क्या? नहीं, यही तो मेरा सपना है। एनीवे, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। अच्छा, आपका सपना? मुझे एक अच्छी जगह पर काम करना है। वो तो मैंने ही आपको दिला दी, आप अपनी लाइफ में और क्या करना चाहती हैं? और एक काबिल लड़के को ढूंढकर उससे शादी करना चाहती हूँ। उसके लिए तो मैं तैयार हूँ। क्या कहा? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि उसमें भी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैंने तो कुछ और ही समझा। अच्छा, आप अपना फोन नंबर बताएंगी? मेरे पास फोन नहीं है, ये मेरी माँ का फोन है। एक्चुअली एक जरा सी प्रॉब्लम है, इसीलिए रिपेयर कराने दिया है। सीधा कहिए ना, नहीं दे सकती। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें फोन कर लूंगी। ठीक है, ये मेरा नंबर है 677-05-3456। अच्छा, आपके पापा का नाम? एम रवि चौधरी। क्यों, जानकर तुम क्या करोगे? आपकी पसंदीदा हीरोइन अनुष्का है क्या? तुम्हें कैसे पता चला? पता है, आपको मैंने एफबी पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, एक्सेप्ट कर लीजिएगा। मैंने तो तुम्हें आईडी बताई नहीं, तुम्हें कैसे पता चला? जनरली सारी लड़कियां अपने पापा के नाम से आईडी बनाती हैं, और आप जैसी खूबसूरत लड़की एक्ट्रेसेस की डीपी लगाती हैं, इसीलिए बस मैंने गेस कर लिया। ओह शिट, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। हाँ, चलिए चलते हैं। बाय। हेलो हेलो, तुम कहाँ चल रहे हो? आपने कहा कि लेट हो रहा है तो मैंने सोचा ड्रॉप। मुझे रास्ता पता है। ओके, एनीवे थैंक्स। जब देखो तब उल्टा जवाब देकर जाती है लड़की। सो पूजा, तुम एडवोकेट राधा से इस फाइल पर साइन लेकर आ सकती हो? वो कौन है सर? ऐसी बात क्यों कर रही हो पूजा, इस कंपनी में उन्होंने ही तो तुम्हें लगवाया है। सॉरी सर। अच्छा राधा जी। अच्छा, वो तुम्हारी क्या लगती है? वो दरअसल मेरी आंटी लगती है सर। ओके तो तुम अपनी आंटी से इस फाइल पर साइन लेकर आओगे? लेकिन सर मैं। हाँ पूजा, ये बहुत जरूरी फाइल है, इसलिए अपनी आंटी से तुम्हें ही साइन करवाने पड़ेंगे। मैंने ऑलरेडी उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है, कल सुबह साइन करवा लेना। ओके सर। कौन चाहिए आपको? मैं विया सॉल्यूशन से आई हूँ, राधा मैम से मिलना है। अंदर आकर बैठो। हाँ
पेन छोड़ छाड़ के। अरे ये यहाँ पे कैसे आ गए? हो सकता है शायद मुझसे मिलने आई होगी। ए, तुम अचानक मेरे घर पे कैसे? माँ से मिलने आई थी ऑफिस के सिलसिले में। ओ माँ से, ये इतनी हंस क्यों रही है? कहीं इसने मुझे नाचते गाते तो नहीं देख लिया? क्या हुआ विनय, सुबह सुबह टेंशन में बैठे? बैठो बेटा। कौन है, नई फ्रेंड है? फ्रेंड ही है हा? लेकिन वो तुमसे मिलने आई है माँ। मुझसे मिलने? क्या विनय ने तुम्हारे साथ कोई गड़बड़ की? माँ तुम भी ना माँ। ऐसी कोई बात नहीं है आंटी, मैं वीआर सॉल्यूशन से आई हूँ। ओ अच्छा, तो तुम हो इंटरव्यू वाली लड़की? हाँ माँ, हाँ वो। नाम क्या है बेटा? पूजा। पूजा माँ। तुम जरा चुप रहोगे, मैं उससे पूछ रही हूँ ना। पूजा, एज अ वेल विशर कह रही हूँ, चाहे किसी पर भी विश्वास करो, कॉफी के लिए बुलाने वाले लड़के पर कभी भरोसा मत करना। थोड़ा अपना लेक्चर बंद करोगी? अरे मैं तो सच कह रही हूँ बेटा। आंटी इस फाइल में सिग्नेचर कर दीजिए ना प्लीज। लव बेटा। अकेली ही आई होगी, अगर मैं इसे लिख दूं तो। ओके आंटी थैंक्स, मैं भी चलता हूँ माँ। ए विनय, तुम कहाँ जा रहे हो? पूजा को ड्रॉप करके एक दोस्त से मिलने जाना है माँ। नहीं मैं निकलती हूँ, इट्स ओके। पूजा, विनय तुम्हें छोड़ देगा और शाम को तुम्हें पिक भी कर लेगा। अरे मेरी माँ, अपनी बकवास बंद करो। पूजा तुम जाओ, मैं आता हूँ, मैं इसे छोड़कर आता हूँ माँ। ठीक है जाओ। अरे जाओ पापा, मैंने थोड़ी रोका है। हे पूजा, क्या बात है, आज बहुत खुश हो। तुमने सरप्राइज के बारे में कहा, कोई बात है क्या? हाँ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, मुझे मेरी कंपनी में टीम लीडर बना दिया गया है। हे कांग्रेट्स यार। थैंक्स। अच्छा कंपनी ज्वाइन किए कुछ ही दिन हुए, इतनी जल्दी प्रमोशन कैसे? हाँ एचआर मेरा दोस्त है, इसीलिए जल्दी से प्रमोशन मिल गया। एचआर का इससे क्या, कहीं वो तुम पर लाइन तो नहीं मारता? हे ऐसी बात मत करो विनय, वैसे भी वो मेरा सीनियर है। सीनियरों पे भरोसा जरा कम किया करो। क्या कहा? वो इतना खास है कि प्रमोशन भी दे दिया। हाँ वो तुमसे भी ज्यादा क्लोज है ना मेरे लिए। अच्छा तुमने सरप्राइज कहकर मैसेज भेजा, वो क्या है? वो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है मेरे लिए। ठीक है अब बताओ भी, ज्यादा भाव मत खाओ। मेरा केमिकल सर्कुलेशन प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो चुका है, इसीलिए मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। ओह कॉन्ग्रेट्स यार। थैंक्स। हंस के भी बोल सकते हो ना? ही थैंक्स। अरे कल जा रहे हो? हाँ क्यों? एक्चुअली कल एचआर की बर्थडे पार्टी है, मुझे वहाँ कंपलसरी जाना होगा, मैं कल नहीं आ सकती। मुझसे ज्यादा वो इम्पोर्टेंट हो गया क्या? ठीक है तुम जाओ, मैं तो जा रहा हूँ। हे मुझसे ज्यादा वो एचआर ही उसके लिए इम्पोर्टेंट था, काम के लिए मेरे साथ, प्रमोशन के लिए उसके साथ। बहुत स्वार्थी लड़की थी वो। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया सर, फिर मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई। दिल्ली से लौट कर आया तो पता चला उसने कंपनी के सीक्रेट्स पैसों के लिए किसी और को बेच दिए। अच्छा। फिर पकड़े जाने के डर से उसने सुसाइड कर लिया। उसके बाद उसके लिए थोड़ा बहुत जो प्यार था वो भी खत्म हो गया सर। अब आप ही बताइए सर, ऐसी लड़की के लिए मैं अपने दोस्तों को क्यों मारूंगा सर? और वो सब मेरे बेस्ट फ्रेंड थे सर। और मैं विश्वास कर लूं? सर मैं एक बात बोलूं सर, इस पूजा और एचआर के बारे में पता लगाया जाए तो बहुत कुछ सामने आ सकता है सर। सर ये सारे खून कहीं विनय ही तो नहीं कर रहा है? मतलब तुमने कुछ नहीं किया? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, और मुझे लगता है कि विनय ने ये सब किया है। Shut up. This is my turn. जो सवाल करता हूँ उसका सही सही जवाब दो। उस बात के लिए आप मुझसे खुन्नस निकाल रहे हैं ना सर। सच सच बता दो, पूजा से तुम्हारा क्या संबंध था? वो मेरी कंपनी में प्रोजेक्ट लीडर थी, इसके सिवा कुछ नहीं। पूजा के साथ तुम्हारा संबंध क्या था? सर उसने पैसों के लिए प्रोजेक्ट बेच दिया और पकड़ी गई।
उसके पास बचने का रास्ता नहीं था, इसलिए सुसाइड कर लिया। पूजा का इस केस से क्या संबंध है सर? तुमने दिमाग लगाकर जवाब दिया, तभी मैं समझ गया कि तुम्हारा क्या संबंध है। सच बता दो। सर मेरी बात मानिए, मैंने कुछ नहीं किया। डेविड, अगर तुमने सच सच बता दिया तो इस केस से जुड़े हुए सारे सच का मैं पता लगा लूंगा और तुम बच सकते हो। बताओ क्या हुआ था। ये क्या प्रोजेक्ट बनाया है? ऐसे काम करते हो तुम लोग? नॉट इवन वन डेटा इज करेक्ट, जस्ट चेक इट आउट। एब्सोल्युटली नो डिसिप्लिन। आज ही खत्म करके इसे सबमिट करना। डू इट नाउ। ये ऐसे शांत नहीं होने वाली है, लगता है इसे ठिकाने लगाना पड़ेगा। हाँ तो सही कह रहा है। ए हरी, बात वो नहीं है यार, मैंने कार्तिक को तुम्हें फाइल देने के लिए कहा था। मिल गई माँ? हाँ ठीक है माँ, शाम को जल्दी आ जाऊंगी। ओके बाय। ऐसा कैसे हो सकता है? ए अमीर, अब तुम किसके बारे में सोच के परेशान हो रहे हो? तुम ही गेस करो किसके बारे में है। तुम्हारी शादी को लेकर? ए हमारे ऑफिस मैटर को लेकर। हमारे ऑफिस का मैटर है? ओ अगले हफ्ते जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसके लिए? अरे नहीं यार, पूजा के बारे में। अरे वो इतने शॉर्ट पीरियड में प्रोजेक्ट लीडर कैसे बन गई यार? तुम्हें अपने ऑफिस के बारे में कुछ भी पता नहीं है। यहाँ तरक्की उसकी होती है जो काम नहीं करता, काम करने वाले की नहीं होती। हाँ सही कहा तुमने। ए, तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो यार? वही उस पूजा के बारे में। पूजा? हे उसने हमारी बचा के रखी है यार, और तुम लोग उसके बारे में सिर्फ बात कर रहे हो? क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, उसे हटाने का कुछ प्लान बनाओ। अरे यार पूजा एक अच्छी लड़की है, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? अबे इसका दिल आ गया उसके ऊपर। इससे तो पूजा के पास ही छोड़ देना था ना। हाँ छोड़ा तो था उसके पास, लेकिन ये वापस आ गया। ये राहुल तू कुछ ज्यादा बोल रहा ना, अपना काम कर, निकल। हेलो पूजा। यस सर। प्लीज कम टू माय केबिन। यस सर। मे आई कम इन सर? यस कम इन। टेक योर सीट। थैंक यू सर। आपने कहा था कि कुछ इम्पोर्टेंट बात है, क्या बात है सर? 2 महीने से हम जो ड्यू पॉइंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे वो हमारे हाथों से निकल गया है। ऐसा कैसे सर? हमने तो उनके दिए हुए टाइम पर मॉड्यूल सबमिट कर दिया, फिर कैसे चला गया? हम लोगों ने जो सॉफ्टवेयर तैयार किया था वो आज हमारे राइवल कंपनी के पास पहुंच गया है। उन्होंने ये कहकर प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया है कि हमारा सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा नहीं है। ऐसा कैसे सर? वो मॉड्यूल राइवल कंपनी के पास गया कैसे? तो मुझे बेवकूफ समझ रही हो? ये तुमने ही भेजा है। ये आप क्या कह रहे हैं सर, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। अपनी गलती भी कोई मानता है क्या? सर मैंने कुछ नहीं किया, आप क्यों ऐसा कह रहे हैं मुझे नहीं पता। तो अनजाने में अपनी पर्सनल आईडी से अपनी राइवल कंपनी को सॉफ्टवेयर भेज दिया है? मेरे मेल से? मुझे और बेवकूफ मत बनाओ। सर्वर चेक करने पर साफ साफ पता चलता है कल 3:30 बजे तुमने उन्हें सॉफ्टवेयर भेजा है। सर उस वक्त मैं कैबिन में नहीं थी, एक इम्पोर्टेंट कॉल आया था और मैं बात करते हुए बाहर गई। रीजन अच्छा है, पुलिस आने वाली है, ये सब उनको ही बताना। सर एक मिनट, अगर मुझे ऐसा करना होता तो क्यों मैं अपने पर्सनल ईमेल आईडी से और पर्सनल सिस्टम से करती? किसी और ईमेल से भी तो भेज सकती थी ना। तुम्हारा ये लॉजिक बिल्कुल सही है। कंपनी को या किसी को तुम पर शक न हो इसके लिए तुमने ये काम बड़ी समझदारी से किया है। पुलिस के सामने अपनी ये लॉजिक समझदारी से बताना, वरना इस पे कोई यकीन नहीं करेगा। एनीवे गो अवे। ठीक है सर, मैं अपनी बेगुनाही साबित करके रहूंगी। डोंट वेस्ट माई टाइम, आउट। यहाँ पर एक्चुअली तुमसे एक जरूरी काम था। हाँ बोलो ना। तुम्हारी मदद चाहिए, वो तुम ही कर सकते हो। अरे मैटर क्या वो तो बताओ। मुझे फुटेज देखना था। कौन सा फुटेज?
सीसीटीवी फुटेज। सीईओ की परमिशन के बिना मैं नहीं दिखा सकता। सीईओ से मैंने बात कर ली, मुझे मेरे कैबिन की फुटेज कल दोपहर 3 से 4 बजे तक की फुटेज देखनी थी। एक्चुअली क्या है पूजा, उस वक्त कैमरा सर्विस पर गए थे और बाकी कैमरास ऑफ थे, इसलिए कोई फुटेज रिकॉर्ड नहीं हुआ। बात क्या है, मैं कुछ हेल्प करूं? नहीं कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी। ओके बाय। अच्छा सुन, अपना ये एचआर पूजा से कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रहा है ना। हे डेविड, ये बता तूने ये काम अकेले कैसे कर दिया? ए, तुम सबने पूजा की एक्टिविटी पर गौर किया? आजकल सीईओ की ज्यादा ही क्लोज आ रही है। अभी सही बोला तूने। ए, वो कितनी भी क्लोज है तो क्या हुआ, लेकिन इतने जल्दी कोई प्रोजेक्ट लीडर कैसे बन सकता है? ए, वो अपना काम ढंग से करती है इसलिए प्रोजेक्ट लीडर बन गई है, और हम कौन सा अपना काम ढंग से करते हैं, वरना आज हम भी प्रोजेक्ट लीडर बन जाते। एकदम सही बोला। ए, उसकी हरकतें बंद करने के लिए मेरे पास एक प्लान है यार। अरे कोई प्रॉब्लम हो गई तो? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यार, सब कुछ अच्छे से प्लान करके करेंगे। ए भाई, ये करने में मुझे बहुत डर लग रहा है यार। अरे तू क्यों डर रहा है बे? हंसूंगा तो मैं ना। ऐसा नहीं है यार। ये यार, तुम लोग सब लोग बिना वजह डर रहे हो, इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों मैंने जो कहा है सही कहा है ना? ए कुछ होगा तो नहीं ना? तुम क्यों डर रहे हो यार, अगर फंसूंगा तो मैं फंसूंगा ना। ए तू उसकी तरह ध्यान मत दे, मैं तेरे साथ हूँ, हम लोग कर लेंगे। ए आमिर तुम संभल कर रहना। हाँ अरे वो सीईओ पुलिस को कंप्लेंट करने वाला है, अब क्या करें? ए हमने इसे पूजा के कंप्यूटर से भेजा है और अपलोड भी उसी की आईडी से किया है, हम पे कोई शक भी नहीं कर सकता, फुल प्रूफ प्लान है। हाँ यार, तुम्हारे ऊपर, मेरे ऊपर, डेविड के ऊपर कोई भी बंदा शक नहीं कर सकता, और अगर कोई फंसेगा तो अरुण फंसेगा ना। कैमरा तो उसने बंद कर दिया था, तो हमें डरने की क्या जरूरत है। सही बोला ये। अच्छा तो मैं चलता हूँ। चलो ठीक है यार। ठीक है। मुझे समझाता है और खुद ही इतना टेंशन लेता है। कैमरास ऑफ कर दिए, ठीक है ना? ओके एक मिनट रुक, मैं अरुण को कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ। हाँ बोल। मैंने जो कहा था याद है ना? हाँ मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। ठीक है गुड। ओके ए राहुल, क्या यार इतना टेंशन ले रहा है? ए पूरी दुनिया में तुझे और कोई लड़की नहीं मिली, तू मेरी बहन के पीछे क्यों घूम रहा है? कौन है तुम्हारी बहन? ये विनोद है। हेमा पता नहीं तुझे? हे, मैं कितनी लड़कियों के साथ घूमता हूँ, इसे भी वैसे ही समझो ना। हेमा हीरोइन हो गई क्या? क्या बकवास कर रहा है तू? चलो उठ, बहुत बोल रहा है तू। शर्ट मत पकड़ा। पकड़ूंगा। क्या कर लेगा तू? मेरी बहन के पीछे घूमेगा? शर्ट छोड़। डेट पर लेके जाएगा? क्या सोचा तूने? ए राहुल मैं कुछ बोलूंगा नहीं तुझे, दोस्त इसलिए चुप रहूंगा। ठीक है शांति से बात करते हैं, पहले यहाँ पे आराम से बैठ। देख तू शांति की बात मत कर, मैं हेमा की बात कर रहा हूँ, समझा? देख राहुल ये ऑफिस है। ऑफिस है तो क्या हो गया? मत कर। बस करो तुम लोग। कैंटीन को तुमने अपना घर समझ रखा है क्या? सॉफ्टवेयर कंपनी के एम्प्लॉय ऐसी हरकतें करते? सब लोग तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, कुछ तो मैनर्स सीखो। प्रोजेक्ट खत्म हो गया, कंपनी का एक स्टेटस है, रेपुटेशन है, और तुम लोग इस तरह से झगड़ा कर रहे हो। क्या हुआ सर, ऐसे चिल्ला क्यों रहे? तुम क्या इनकी वकालत करने के लिए आए हो? ऐसा कुछ नहीं है सर। जरा इन्हें देखो, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं, इनकी हरकतें देखकर लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? सॉरी याद रखो ये तुम लोगों के लिए आखिरी वार्निंग है। ओके सर। माइंड योर बिजनेस, अपने काम पर ध्यान दो और उसे जल्दी से जल्दी पूरा करो, वरना सबको बाहर कर दूंगा। सॉरी सर।
इतनी ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी यार? अबे आमिर, तेरे चक्कर में आज हम सबको सुनना पड़ा। ए, जो भी किया हमने मिलके किया, अगर पकड़े गए तो सारे पकड़े जाएंगे। ए, हम कैसे पकड़े जाएंगे? सारा काम पूरा प्लान बनाकर किया है, सिर्फ पैसे की बात नहीं है। पूजा इतनी जल्दी लीडर बन गई और हमें उसके नीचे काम करना पड़ रहा है। यार उसे यहाँ से निकालना जरूरी है। ए, तो तूने पैसों के लिए नहीं किया क्या? ए, सिर्फ पैसों के लिए नहीं, दोनों के लिए। कंपनी से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। अच्छा आप सुनो, ये बात यहीं पर इस कमरे में खत्म हो जानी चाहिए, आया समझ में? सर, बोलो, इस बार क्या कहने आई हो? सर, मेरे प्रोजेक्ट मेंबर्स। मैं खुद ही तुमसे उनके बारे में कहने वाला था। जो लोग कैंटीन में इस तरह की हरकतें करते हैं, और तुम उनकी लीडर हो ना, इसीलिए क्रिमिनल माइंड है। सर, उन्होंने ही मेल भेजा है। मैं तुमसे यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस वक्त वो झगड़ा कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा है? सर, सर अच्छे से याद कीजिए सर, उस वक्त डेविड वहाँ नहीं था। झगड़ा खत्म होने तक वो लोग वहीं थे, और मैंने उन लोगों को वार्निंग भी दी थी। यही तो उनका प्लान था सर। अगर उन्होंने किया है तो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होगा ना? आप भूल रहे हैं सर, अरुण भी उन्हीं का आदमी है, उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया। ठीक है, उस वक्त मैं भी उनके साथ था, तो क्या मैं भी उनका साथी हूँ? नहीं सर, उन चारों ने मिलकर मुझे बुरी तरह से फंसा दिया है। प्लीज सर, प्लीज मेरी बात को समझिए। मेरे समझने से क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ी देर में यहाँ पुलिस पहुँचने वाली है। सबूत जिसकी तरफ इशारा करेंगे पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेगी। अब तुम जाओ। सर, गेट आउट। प्लीज सर, आई से गेट आउट। पूजा को मैंने उस दिन आखिरी बार देखा, उसने सुसाइड कर लिया ये हमें अगले दिन पता चला। बस इतनी सी बात है सर। सो, पैसों के लिए तुम सबने एक लड़की की जान ले ली, और तुमने सोचा होगा कि मजे से जी लेंगे। सर, किसी भी तरह आपको मुझे विनय से बचाना होगा। ठीक है, वो छोड़ो, विनय ने ही खून किया, तुम्हें कैसे पता? सर, पूजा के मरने के बाद ही उसने हमारी कंपनी ज्वाइन की, सो उसके पास तगड़ा मकसद है सर। खून हुआ तो विनय कहाँ था? सर, राहुल की मौत के वक्त वो मेरे ही साथ था। और अमीर की मौत के वक्त? अमीर की मौत के कुछ ही देर पहले हम लोग मिले थे, मैंने उन दोनों को साथ में ही छोड़ा था। थोड़ी ही दूर गया था कि रास्ते में अमीर का फोन आया, वो मुझे बुला रहा था। उसके बाद जब उसके पास पहुंचा तो वो मर चुका था सर। उस वक्त आमिर कहां गया था? उस वक्त आमिर घर जा रहा था। मतलब आमिर को मारने का मौका विनय के पास था? हाँ सर, राहुल की मौत के वक्त वो मेरे साथ में ही था, इसलिए वो उसे नहीं मार सकता। अभी तो कह रहे थे कि विनय ने ही खून किया है, और अब बोल रहे हो उसने नहीं किया, तुम कहना क्या चाहते हो? सर, एक बार विनय को देखिए। विनय को क्या हुआ?
जैसा विनय बोल रहा है कहीं भूत ने तो खून नहीं किया? ये क्या रघु, तुम भी भूतों पर विश्वास करते हो? जब किसी का खून होता है तो कोई तो सबूत मिलता है सर, यहाँ ना कोई सबूत है ना कोई सुराग। ठीक है, उसे बाहर लेकर आओ। क्यों सर? जहाँ खून हुआ वहाँ एक बार और जाकर देखते हैं। वो किस लिए सर? ताकि उनकी आंखों के सामने सारा सच बाहर आ जाए। अगर उनके हिसाब से भूत सब कर रहा है तो इनकी जान को भी वहाँ खतरा होना चाहिए, वरना यह साबित हो जाएगा कि इन्होंने ही खून किया है। चलो सर। और डेविड? उसे छोड़ दो, उसका इससे कोई संबंध नहीं है, सिर्फ विनय को लेकर आओ। ओके। डेविड, क्या हुआ? हम सब जहां मिलने वाले थे वहीं आजा। अब तुझे क्या हो गया यार? जल्दी आना यार, कुछ बताना है, जल्दी आजा। ओके ठीक है, मैं अभी आता हूं। के मोबाइल में एमएमएस आया है। सर, सर, इसे कैसे भी करके बचा लीजिए सर, सर प्लीज सर। सर पूजा का नंबर है सर। तुमने डेविड को छोड़ दिया? हम जब वहां से निकले तो मैंने उसे छोड़ दिया सर। रघु, डेविड को जल्दी बचाना होगा, चलो।
Thank you.
बड़ी मुसीबत में डाल दिया। मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है। पूजा, नहीं पूजा, ऐसा कुछ मत करना पूजा। मैं आ रहा हूँ पूजा। मैं चार लोग हैं और उन्हें मुझे झूठे इल्जाम में फंसा दिया है। उनके नंबर्स मेरे मोबाइल में सेव्ड है। मैं तुमसे कभी एक बात कह नहीं पाई। आई लव यू विनय, आई लव यू सो मच। मैंने तो मजाक किया था, सॉरी विनय। तुम्हारे लिए HR इम्पोर्टेंट है ना, तुम वहीं जाओ। मेरे लिए तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कोई नहीं, और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। रघु सर, एम्बुलेंस को फोन करो। यस सर। मेरे लिए तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कोई नहीं, और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। स्टेशन गई थी, उन्होंने कहा कि आप यहाँ हैं। कौन है आप, मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? आई एम राधा। ठीक है, तो मैं क्या करूं? पूजा की मौत का कारण जो चार लोग थे, मैंने ही एक एक करके उन्हें मारा। किसी को शक ना हो, इसलिए एक एक की मौत का पहले मैंने प्लान बनाया और फिर एक एक को रास्ते से हटाता चला गया। कहाँ गया था यार? गाड़ी चेक करने गया था यार। यार तू बॉटल ओपन करके क्यों ना आया? हे, तुम्हारा बर्थडे है ना, इसीलिए तुम्हारे लिए स्पेशल है। तुम यही बैठो, मैं कुछ लेकर आता हूँ। मेरे केमिकल लेवल की इंटेंसिटी थोड़ी कम थी, इसलिए मैंने अपने प्लान के हिसाब से आमिर को जहर देकर तड़पा तड़पा करके मारा। और मेरी सबसे बड़ी ताकत थी मेरी केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई और मेरे प्यार को समझने वाली मेरी माँ। लेकिन मुझे अभी यह बात समझ में आ गई कि पूजा भी मेरे साथ थी। I love you.